नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राधे। एक विषय जिस पर चर्चा करनी है आज, विषय है कि पेपर लीक होना, कैंसिल होना, ये एक आम सी बात हो गई है आज के समाज में। हम देख रहे हैं विगत कई दिनों से नीट के पेपर के लिए जो चल रहा है कि पेपर लीक है, कैसे क्या है। फिर अभी सुनने में आया कि नेट का पेपर रद्द कर दिया गया। एक तो इतनी महंगाई के दौर में दूसरे शहर जाके पेपर देना, ट्रैवल करना, तो बड़ा मुश्किल ये विषय है। उसके बाद फिर इस तरह की घटना, पेपर लीक हो जाना या पेपर कैंसिल हो जाना, ये सही पैमाना सेट नहीं करता है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो भी परीक्षाएँ हो रही हैं, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उनमें इस तरह की घटनाएं ना हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, बार बार पेपर लीक होना, बार बार इस तरह की घटनाएं होना। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कुछ ऐसा संगठन बनाएं, संस्था बनाएं, जिससे जो भी पेपर हो रहे हैं वो बिल्कुल भी लीक ना हो, कहीं से भी कोई गलत गतिविधि ना हो पेपर के साथ में। कई सारे बच्चों का फ्यूचर जुड़ा होता है एग्ज़ाम से, है ना। अभी नीट के लिए देखो कितना परेशानी हो रहा है। तो यही चाहता हूँ मैं कि सारे पेपर अच्छे तरीके से हों, कोई भी उसमें धांधली या गड़बड़ी ना हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।